काशु भाई ने उठा, आज हम उसको कावा पिलाएंगे, गुड़ और अजवाइन है ये चीज़ें भी हम उसको पिला के ही रात में जाएंगे। भाई टेढ़ा हम सबको छोड़ के जा रहा है और एक उसके जाने से एक अजीब सा एक जो है ना सन्नाटा सा हो गया वैसे भी, और इस गेट पे भी इधर और इधर, ताकि अंदर हमारे हवा बिल्कुल भी नहीं आए और जानवर हमारे सबसे देखो उसके काम। तो अब हम क्या हो रहे भाई, आगे फेंका जा पकड़वा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग यार। तो सर्दियां आ चुकी हैं, हमारे जानवर बीमार होना शुरू हो चुके हैं, इसका मतलब ये है कि सर्दियां आ चुकी हैं, मेरी भी थोड़ी तबीयत डाउन है। सबसे पहले ये हमारा रेड आई है जो उसकी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, और लेकिन अब तो माशाल्लाह बेहतर है। कल बहुत तबीयत इनको बुखार था, कल इन्होंने चारा भी नहीं खाया अपना, लेकिन आज तो इनकी तबीयत माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सेट लग रही है। तो अब हम क्या हो रेड आई, ये मेरा हाथ चाटते हैं, इनको मेरा हाथ चाटना पसंद है ना, भूख लग रही है रेडाई को। अभी चारा बनाएंगे अपने रेडाई के लिए और अपने रेडाई को चारा खिलाएंगे। हमारे दूसरे जानवर भी चारा खा रहे हैं। ये हमारा न्यू एंट्री है जो बीच में खड़ा हुआ है, आप लोग जानते हैं, सबको ये देखें, सबको किसी को खांसी है, किसी को नज़ला, इन लोगों क्योंकि यार मौसम की चेंजिंग की वजह से सबके साथ, इंसानों के साथ भी यही मसले मसाइल हो रहे हैं और जानवरों के साथ भी यही मसले मसाइल हो रहे हैं, इसलिए हम लोग पंखे वंखे सारे बंद करे हुए, एग्जॉस्ट तक का हमने बंद किया अपने रेडाई की वजह से, क्योंकि हमारा रेडाई अभी बीमार था, कल पूरा दिन उसको बुखार रहा है, लेकिन अब माशाल्लाह सेट हुआ है थोड़ा, ये तो खड़ा भी हुआ है ये, वरना कल तो ये बैठा रहा है, उसको बाहर भी नहीं निकाला। देखें अभी भी इसके बाल खड़े हुए हैं, मतलब ये बीमार अभी भी बुखार है इसमें, चारा बिल्कुल सही नहीं हुआ। तो अभी इसके चारे का टाइम है, उसको चारा देंगे, देखेंगे आज खाया है या नहीं। सुबह भी इसने कम ही खाया था चारा और कल तो खाया ही नहीं बिल्कुल भी अपना चारा, तभी इसका पेट अंदर चला गया है। अभी खाओगे ना पेट भर के, फिर तुम्हारा पेट बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। किधर, नहीं हाँ ला रहा हूँ, सब्र कर जा। अच्छा भाई, और यहाँ पर जो काम चल रहा है वो चल रहा है इस पूरे को पैक करने का, और पैक करने का कैसे, हमने पिछली सर्दियों में भी यही किया था कि हम यहाँ पर गत्ते लगा देते हैं, ये देखिए आप लोग, ताकि यहाँ से हवा ना आए। ये नीचे पार्किंग का जो हमारा गेट है ना, उसके ऊपर हम लोग ऐसे गत्ते लगा देते हैं, इधर भी और इधर भी और इस गेट पर भी, इधर और इधर, ताकि अंदर हमारे हवा बिल्कुल भी नहीं आए और जानवर हमारे सब सेट रहे। पंखे भी हमने बंद करे हैं, और जितने ये सुराख जो खुले हुए ना, ये सुराख का भी यही है कि ये सुराख अभी हम लोग इस वाले सुराख पे तो लड़ाई के नहीं, मैंने अर्जेंट में बोरी पीछे से लगवा दी ताकि हवा ना आए, इसको भी बंद करेंगे, और दोस्तों हम चलाते नहीं है क्योंकि हवा की हमें ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी अंदर भी, ताकि हमारा रेडाई बिल्कुल ठीक हो जाए और दूसरे जानवर बीमार ना रहे। हमारा जो ये है आर्तुर भी हमारे बीमार थे, अब थोड़े सेट हुए, इन सबको आज दवाई खिलाई है तो ये सारे अब सेट रहे हैं। बाकी सर्दियों का मौसम आ चुका है, आप लोग भी अपने जानवरों का ख्याल रखें, हम लोग भी अपने जानवरों का ख्याल रख रहे हैं, हवा से जो रात की हवा है उनसे इनको बचाएं बिल्कुल भी, और ठंडी चीज़ें नहीं खिलाएं, इनको गर्म चीज़ें खिलाएं ताकि ये गर्म रहे। अभी हम चारे के बाद अपने रेडाई को, अभी हम बाहर से बहुत शोर आ रहा है, ये देखो उसके काम, ये मेरी शर्ट खा रहा है, इतना भूखा हुआ है, क्यों 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 नहीं हट जा। तो ये रेडाई जो है ना भूखा हो रहा है, अच्छी बात है, ताकि ये हमारा चारा सही खाएगा। और अच्छा भैया, उसके चारे का टाइम हो गया, हम उसको चारा बना के देते हैं और फिर आपको दिखाएंगे कि हमारे रेड आई चारा सही से खाएंगे या नहीं। बुखार तो उसको अभी भी मुझे लग रहा है, लेकिन कान तो उसके थोड़े बेहतर हैं, ठंडे हैं लेकिन थोड़े बेहतर हैं, मतलब बुखार उसको कम है, भूख लग रही है इनको, बनाते हैं चारा फिर आपको दिखाते हैं आगे। अभी इन सब के लिए इन्होंने गया हुआ है कावा बनाने, ताकि सर्दी है तो रात में कावा देना ज़रूरी है, लेकिन इनका टेम्परेचर गर्म हुए और ये सही रहे बिल्कुल। अभी कावा आएगा तो फिर आप लोगों को दिखाएंगे, जब कावा इन सबको पिलाएंगे। तो भाई टेढ़ा हम सबको छोड़ के जा रहा है, कौन बोल रहा है भाई, मुन्ना कह रहा है कि मैं रोऊंगा, मुझसे देखा नहीं जाएगा, बहुत तकलीफ में है यार ये, इसको कटवाना ही सही है हमारे लिहाज से, वो अंदर चला गया है, बस सर्दी लग रही है, कटवाएंगे बस, अभी काटते हुए तो नहीं दिखा सकते आपको भाई, बस ये क्या देखने से जा रहा है। चलो भाई जा रहा है, बस इसको अलविदा बोल लेते हैं भाई, टेढ़े हे
आ जाओ। नहीं भाई ये भी जानो फ्लाइट में खराब है। चलो मुन्ना अंदर जा चुका है, वो कह रहा है मुझसे देखा नहीं जाएगा, आ गया है ना? कह रहा है मुझसे देखा नहीं जाएगा, मैं अंदर ही जा रहा हूँ। छुट्टी देख के भाग गया है काशी भाई, हमारे ही काटेंगे। आ रहे हैं भाई टेढ़े का, बस अल्लाह ही रहम करे। चलो यार बस काटते बटते नहीं दिखा सकते आपको, बाकी क्या करते हैं देखते हैं। भाई टेढ़े को लेके जा रहे हैं, बस हम गिराएंगे। मुन्ना कह रहा है मुझसे देखा नहीं जाएगा, काशी भाई फेंक रहे हैं उसको, हमारा टेढ़ा जा रहा है भाई। काशी भाई ने उठा के फेंका, जा पकड़वा, गिरा दिया भाई, गिरा दिया। चलो यार तो आपको बाद में दिखा। भाई हमारा जो टेढ़ा था वो जा चुका है, मुन्ना उसे आपको दिखा नहीं सकता देखो, क्योंकि यार काट दिया उसको, कटवा दिया, अभी कटवा के आ रहे हैं। मुदस्सिर भाई हमारे बहुत अफसरदा सा लग रहे हैं। मुदस्सिर भाई क्या तासुर आप है, आपके कुछ बोलना चाहेंगे? अभी कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। इन्होंने पाला है उसको, कितने टाइम से पाल लिया था उन्होंने तो उसको? चार पाँच महीने से पाल लेते, हो जाती है मोहब्बत यार, हमें भी सारे जानवरों से हो गई है मोहब्बत, हमसे भी नहीं देखा जाता बिल्कुल भी। और ये उसके लिए अच्छा किया हमने यार, बेचारा तकलीफ में था। खैर जो भी था अब जा चुका है, और हमारा रेड आई भी माशाल्लाह खाना वाना खा के खड़ा हो चुका है। चारा थोड़ा सा इतना सारा बचाया हुआ रेड आई, ये सारा खाना है बेटा, ये छोड़ना वोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ अदाकारियाँ नहीं करना बिल्कुल भी। भाई हमारे रेड आई ने अपना खाना छोड़ दिया है, अभी थोड़ा सा बीमार है, हरारत है इसमें, तो अभी कम कम ही खाए तो बेटर है इसके लिए। और हमारा टेढ़ा हमें नहीं रहा, चला गया, बस जो भी था यार हो गया, वो करना पड़ा हमें, उसके लिए ही अच्छा था जो हमने उसके लिए किया। बाकी जानवर हमारे माशाल्लाह बिल्कुल सेट हैं, और एक उसके जाने से एक अजीब सा एक जो है ना सन्नाटा सा हो गया। वैसे देखो कितने खामोशी से ये लोग बैठे हैं, इन लोगों को तो खैर पता भी नहीं लिया होगा कि उसके साथ बेचारे के साथ क्या हुआ है। खैर जो होना था वो हो गया, ज़रूरी था यार, वरना हम कभी भी ऐसा नहीं करवाते, लेकिन ज़रूरी था उसके लिए तो करवाना पड़ा भाई। बाकी अब आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोबारा हमारे रेड आई ने माशाल्लाह खाना वाना खा लिया है, मुझे नहीं लगता ये और खाएगा, क्योंकि इसके लिए आज के लिए इतना ही बहुत था, इसने बचा दिया है थोड़ा सा चारा बचा हुआ है इसका। ये अगर ये भी खा ले रेड आई तो मज़ा आ जाए यार, हैं खा लेना, तेरा पेट ओके हो जाएगा बिल्कुल। ये कोके मोके तूने निकाली हुई ना अपनी, कोके मोके इतनी सारी सारी कोके मोके निकाली हुई तो माशाल्लाह सेट हो गई। हाँ भाई रेड आई और खाना है? नहीं भाई मेरे ख्याल से तो उसकी बस हो गई, अब नहीं खाएगा ये, मुझे नहीं लगता कि अब ये खाएगा। नमक चाटो ना, नमक क्यों नहीं चाट रहे, मेरा हाथ क्यों चाटते हो तुम? माशाल्लाह तबीयत बिल्कुल ओके है अब हमारे रेड आई की। ज़रा मैं बुखार भी चेक कर दूँ, बुखार चेक करने का तरीका मैं आप लोगों को बता दूँ, इनके बुखार चेक करने का तरीका आपको बता दूँ, इनके कानों से पता लगता है, अगर कान इनके ठंडे हो तो मतलब इनको बुखार है। हमारे रेड आई के कान माशाल्लाह सेट हैं, थोड़े थोड़े से ठंडे हैं, मतलब हल्का हल्का सा बुखार है अभी भी उसको, हल्का हल्का सा बुखार में है, लेकिन वो सेट हो जाएगा। आज हम उसको कावा पिलाएंगे, गुड़ और अजवाइन है, ये चीज़ें भी हम उसको पिला के ही रात में जाएंगे, ताकि ये सुबह तक और ज़्यादा बिल्कुल ओके सेट हो जाए हमारा रेड आई। तो भाई दिखा दिया आप लोगों को जानवर हमारे, सारे आराम कर रहे हैं, पैक कर दिया है यहाँ से सारा हमने, इसके बेचारे को सर्दी लग रही थी अभी हमारे बबलू का ना, तो उसके ऊपर चादर डाली है अभी, ताकि ये थोड़ा आराम से रह सके। यहाँ पर भी सब बंद कर दिया है, गत्ते लगा दिए, इधर भी गत्ते लगा दिए पीछे की तरफ से, ये तो पैक ही है पूरा इसका, तो उतना बड़ा मसला है भी नहीं ना, तो सब हमारे अब आराम कर रहे हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करते। रात का टाइम है, कावा पिलाना है वो हम पिला देंगे, वो नहीं दिखाएंगे आपको। यही था आज की वीडियो में भाई, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।